दोस्तों, दुनिया में दो ही रंग है, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अच्छाई हर हाल में अच्छी होती है और बुराई हर हाल में बुरी। पुखराज आपको ऐसी ही घटना से रूबरू करवाएगा। प्राची निगम ने अपने माता पिता को मेहनत से उसकी परवरिश करते देखा था। इस बच्ची ने अपना पूरा जोर लगाकर यूपी बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। ये उसकी अच्छाई थी। पर जैसे कि हमने पहले कहा था, अच्छाई अच्छाई ही होती है। प्राची के माता पिता ने ईश्वर का धन्यवाद किया, लोगों ने बधाई दी, पर उन्हीं में से कुछ लोगों को प्राची के चेहरे के बालों की चर्चा करना उसके मार्क्स की सराहना करने से ज्यादा जरूरी लगा। अब बात यह है कि प्राची की तपस्या को, उसकी खुशी को किस तरह लोगों ने पश्चाताप में बदल दिया कि उस बच्ची को शर्म आ रही थी कि मेरे ये अच्छे मार्क्स क्यों आए, मेरी फोटो सबके सामने गई क्यों, क्योंकि लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। सच में धिक्कार है ऐसी सोच पर जिसने एक प्यारी सी बच्चे को कटघरे में खड़ा कर दिया। लड़कियां फैशन करें तो कह देते हैं इसके तो पर निकल आए हैं, और शादी हो तो कहते हैं कितनी भद्दी लगती है। क्या हम अपने बच्चों के बारे में उठने वाले ऐसे सवालों को उतनी ही सहजता से लेते हैं जिस तरह से हमने प्राची के ऊपर कमेंट किए? कहते हैं कि रूप आज है कल नहीं, मगर गुण और संस्कार ये हमेशा आपके पास रहते हैं और आपकी शोभा बढ़ाते हैं। पुखराज को तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा कल को यही प्राची निगम IAS IPS ऑफिसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर पायलट बने। दोस्तों, दूसरों के बच्चों के प्रति भी आपको वैसी ही सहानुभूति रखनी चाहिए जैसे आप अपने बच्चों के लिए रखते हो। दूसरों के बच्चों की तरक्की की भी इसी तरह मन से दुआ करनी चाहिए जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हो। दोस्तों, कहते हैं ना कि बेटियां तो घर का मान होती हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं। इसलिए आइए आज से ही पुखराज के इस आह्वान में शामिल हो जाएं कि चाहे कोई भी हो, किसी की भी बच्ची हो या बच्चा हो, हम हर किसी को प्रोत्साहित करेंगे और किसी में बेफालतू के नुक्स निकालकर उनका हौसला पस्त नहीं करेंगे।